भारत विकास परिषद की ओर से संगठन के कामकाजों को लेकर प्रेस क्लब में पत्र परिषद का आयोजन किया गया। इस मौके पर भारतवर्ष से जुड़े भारत विकास संगठन के तमाम पदाधिकारी और समाज सेवक बड़ी संख्या में मौजूद थे। भारत विकास परिषद यह राष्ट्रीय स्तर पर कार्यान्वित समाज सेवी संगठन है। सन 1963 में गठित हुई इस संगठन के आज पूरे देश में 1500 से ऊपर शाखाएं कार्यरत हैं और करीबन 10,000 सदस्य इसमें आज जुड़ चुके हैं। आज उत्तर प्रदेश, गुजरात, पंजाब आदि प्रांतों में इसका काम पुरजोर से शुरू है। कई जगहों पर अस्पताल एवं स्वास्थ्य की सुविधा देने के लिए यह संगठन तैयार है। नागपुर शहर में 8 शाखाएं हैं और विदर्भ में कुल मिलाकर 12 शाखाएं कार्यरत है। भारत विकास परिषद का आयोजन किस उद्देश्य से लिया गया है इस बारे में भारत विकास संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर सुरेश चंद्र गुप्ता इन्होंने इनबीसीएन के समक्ष जानकारी दी है। इस समय में भारत विकास परिषद के अध्यक्ष एससी गुप्ता साहब है, आइए उनसे जानना चाहेंगे कि आखिरकार भारत विकास परिषद ये भारतवर्ष में किस प्रकार का काम कर रही है। गुप्ता साहब ये बताएं कि जिस प्रकार से यह संगठन जो है आज ये संगठन क्या काम कर रही है पूरे भारतवर्ष में। धन्यवाद। भारत विकास परिषद को चलते हुए 56 साल हो गए हैं। आज भारत विकास परिषद की 1600 शाखाएँ सारे देश में चलती हैं। 13 विकलांग केंद्रों के माध्यम से हम 40,000 विकलांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग प्रदान करते हैं। भारत विकास परिषद का चंडीगढ़ का डायग्नोस्टिक सेंटर 30% में MRI सहित सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करता है। गुड़गांव में विवेकानंद आरोग्य केंद्र के नाम से 12 डायलिसिस मशीनों का सेट केवल 970 रुपये में एक बार की डायलिसिस प्रदान करता है। कोटा का भारत विकास परिषद का अस्पताल जहां पर 350 बेड का अस्पताल है, नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर 1,00,000 रुपए में हार्ट की बाईपास सर्जरी की व्यवस्थाएं देता है। गुप्ता साहब ये बताएं कि ऐसा कौन सा काम है जो अभी भी पूरा नहीं हुआ है और वो काम पूरा करने के आपके काफ़ी प्रयास शुरू है। परिषद में संस्कार केंद्र, संस्कारों के माध्यम से हम क्लास 6 से 12 के विद्यार्थियों तक, लगभग 50,00,000 विद्यार्थियों तक समूह गान प्रतियोगिता भारत को जानो और गुरु वंदन छात्र अभिनंदन के माध्यम से हमने उनको गुरु शिष्य परंपरा, राष्ट्रीय गीतों का की प्रतियोगिता और भारत के प्राइड के बारे में जानकारी दी है। इस वर्ष अगली 5 वर्ष की योजना में हमने देश के जो हायर एजुकेशन के विद्यार्थी हैं उन विद्यार्थियों को ऑनलाइन भारत के साथ जोड़ने का प्रयास किया है। सौभाग्य से इसी वर्ष पहली ही प्रतियोगिता में दुनिया के 12 देशों के लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। इस पर 1,00,000 रुपए का इनाम फर्स्ट सेकंड थर्ड करके हम क्विज करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ एक हमारी बड़ी योजना है इसके साथ, जिसके कारण सारे देश के नौजवान जब वो हमारे इस कंपटीशन के साथ जुड़ेंगे तो वे भविष्य में भारत विकास परिषद के वर्चुअल मेंबर होंगे और वे भारत के नवनिर्माण में परिषद के साथ जुड़कर हमारे एक बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी करने के दृष्टिकोण से वो हमारा सहयोग करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप थे भारत विकास परिषद के अध्यक्ष गुप्ता साहब, जिन्होंने बखूबी और बेपके के साथ बात करते हुए ये कहा कि भारत विकास परिषद का जो कामकाज है वो इस भारतवर्ष के तमाम नागरिकों के लिए बहुत ही अच्छा है और यही कहना चाहते हैं वे कि हिमालय की है पुकार, बहादुरो बढ़े चलो, बढ़े चलो, बढ़े चलो, आगे सबसे हो चलो। कैमरा पर्सन सुभाष के साथ संजय मीरे, इनबीसीएन न्यूज़ नागपुर।